कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के कारण पूरे देश जो है चीन पर आग बबूला है, और इधर हाल ही में भारत और चीन के बीच जो बढ़ रहा हुआ है तनाव, इन तनाव के बीच जो है हमारे देश के कुछ जवान भी शहीद हुए हैं। दोस्तों उनको जो है हमारे दिल से बहुत बहुत नमन करता और श्रद्धांजलि देता हूँ। तो आप भी वीडियो को लाइक करके दे सकते हैं। दोस्तों इन्हीं कारण के वजहों से जो है ट्विटर पर जो है हैशटैग बायकॉट चाइनीज प्रोडक्ट जो है ट्रेंड हो रहा है, और बहुत सारा ट्वीट हो रहा है कि जो है चाइनीज प्रोडक्ट को जो है इंडिया से बंद किया जाए, और यानी कि जो है इंडिया में जो है इनका बिजनेस बंद किया जाए। और हमारे प्रधानमंत्री भी कई बार कह चुके हैं कि जो है चाइनीज प्रोडक्ट को बहिष्कार करो और मेड इन इंडिया को एक्सेप्ट करो। दोस्तों जो है भारत में कई पॉपुलर ऐप जैसे टिकटॉक से लेकर यूसी ब्राउजर और हेलो तक जो है कई ऐप जो है हमारे देश में पॉपुलर है, और यह ऐप जो है कैसे जो है खतरनाक है और जो है हमें कैसे जो है नुकसान पहुंचाता है। तो हम खास टॉपिक यही इसी वीडियो में इस टॉपिक पर बात करेंगे। दोस्तों वीडियो के साथ बने रहिए, मैं हूं गुरुदेव सिंह, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुदेव। दोस्तों एक वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे, वीडियो को लाइक कर दिया और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे में रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा उसको दबा करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन बटन को ऑल कर दीजिएगा जिससे जो है जब भी हम वीडियो डालेंगे सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों जब आप प्ले स्टोर से कोई भी ऐप डाउनलोड करते हो तो उन समय जो है इंस्टॉल करते वक्त आपसे कुछ गैर एक्सेस मांगा जाता है, तो उन समय जो है हमें किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए और किन किन चीज़ों का जो है एक्सेस ही देना चाहिए। और दूसरा क्वेश्चन आता है दोस्तों जो कि इन कई जो है इन जैसे चाइनीज ऐप पर जो है जासूसी और धोखाधड़ी का आरोप भी लग चुका है। और तीसरा क्वेश्चन जो है दोस्तों यह ऐप जो है कुछ चाइनीज ऐप जैसे जो है यह ऐप जो है कोई भी ऐप जो है आपका डाटा कहाँ ट्रांसफ़र कर रहा है, कहाँ भेज रहा है। और चौथा क्वेश्चन है दोस्तों कि जो है आपका जो है अगर यह सावधानी नहीं बरतते हैं और ऊपर दिए तो आपका जो है बैंक अकाउंट भी खाली हो सकता है। तो दोस्तों हम पूरा जो है डिटेल्स जानेंगे जो है हम इस चाइनीज ऐप से कैसे बच सकते हैं और इसका क्या है संविधान। तो दोस्तों वीडियो के साथ बने रहिए और वीडियो को जो है अंत तक देखिएगा। दोस्तों जब आप प्ले स्टोर से कोई भी ऐप डाउनलोड करते हो तो उस समय एक्सेस मांगा जाता है, तो एक्सेस जो है कुछ ऐसे ऐप जो है पॉपुलर ऐप्स में जैसे टिकटॉक, यूसी ब्राउजर, हेलो, कुछ ऐसे 10 में से 6 ऐप्स जो हैं कैमरा और माइक्रोफोन का जो है एक्सेस मांगता है, जो कि इन जैसे ऐप्स में कोई जो है इस्तेमाल नहीं होता है। हालांकि हेलो और वीगो वीडियो में होता है लेकिन इनमें से और हटकर जो है मांगता है तो उनमें जो है कोई जो है ज़रूरी नहीं है और उसका कोई काम नहीं है। तो आप देख समझकर जो है एक्सेस दें और इन बातों का ध्यान रखें। और जो है दोस्तों जासूसी और धोखाधड़ी का आरोप, जी हाँ दोस्तों इस पर जो है आरोप लग चुका है, और 2017 में भारतीय इंटेलिजेंस जो है इन कम से कम 42 ऐप्स पर जो है 42 ऐप्स का जो है ना यूज करने का सलाह दिए हैं, और जिससे कि उन्होंने एक रूप कहा है कि यह ऐप आपका जो है जासूसी कर सकता है और साइबर अटैक कर सकता है। तो दोस्तों ऐसे में बहुत ही खतरनाक ऐप हो सकता है, आप देख समझ के एक्सेस दें। और जो है दोस्तों अब आता है कि डाटा जो है या ऐप्स कहाँ और किसे भेजता है। तो दोस्तों जो है जैसे कि मान लीजिए आप एक्सेस दे देते हो, तो एक्सेस देने के बाद एक देखा गया है कि यूसी ब्राउजर जो है ये लोकेशन का एक्सेस मांगते हैं, जो कि इनमें ज़रूरी नहीं है, लोकेशन का जो है मांगते हैं, और इससे जो है पता करता है कि ये कहाँ से सर्च कर रहा है, या जो है डाटा वो उनको फूड डिलीवरी वाले और एक्सिस कैब को जो है या फिर उन काम आता है। और जो है जैसे कि मान लीजिए और जो है टिकटॉक जो है टेलीकॉम कंपनी को अपना डाटा ट्रांसफ़र करता है, और वीवो जो है टेंसेंट को, और बी टू प्लस और QQ और यूसी ब्राउजर जो है अपने अलीबाबा यानी उनका पेरेंट है उनको जो है डाटा ट्रांसफ़र करते हैं। बता दें कि अलीबाबा.com जो है यह एक
यू कॉमर्स साइट है और यहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हो। तो इनको क्यों बेचता है डाटा, तो इनको इसलिए बेचता है, जैसे आप देखते होंगे कि कोई भी ऐप पर जब ऑनलाइन, मान लीजिए कि आप Alibaba.com पर जो है जूता देखे हैं, तो आपको जो है कोई भी साइट खोलिएगा तो आपको वहाँ जूता का ही ऐड आएगा। जैसे आप, हम देखते हैं या फिर आप देखते होंगे या गौर किए होंगे, तो अमेजोन पे आप या फिर कोई भी शर्ट यानी देख रहे हो तो उनका, तो आपको जो है किसी ऐप पर भी या फिर वीवो या फिर इस तरह के जो है कई वेबसाइट पर आपको उन्हीं का ऐड मिलेगा। तो इससे एक्टिविटी पता करके उसको इसको ट्रांसफ़र करता है, और इसको इसको ट्रांसफ़र करने के बाद जो एक्टिविटी ट्रैक करता है और उनके अनुसार जो है उनको ऐड दिया जाता है। और ऐसे में कोई भी जो है डाटा लीक हो जाता है और इससे सबको खतरा हो जाता है। तो दोस्तों कैसे हम जो है बैंक अकाउंट खाली हो सकता है, तो दोस्तों इस कुछ चाइनीज ऐप को जो है रिपोर्ट के मुताबिक जो है चूना, कुछ स्नैपट्यूब के यूजर्स को जो है चूना लगाने का आरोप लगा है। पिछले साल ही जो है दोस्तों स्नैपट्यूब के कुछ यूजर्स को जो है 7 करोड़ से ज़्यादा फ्रॉड ट्रांजेक्शन जो है करने का आरोप लगा है। तो दोस्तों ऐसे में जो है चाइनीज़ ऐप बहुत ही खतरनाक है। उम्मीद है कि यह वीडियो जो है आपको कुछ जो है नॉलेज दिया होगा या फिर नॉलेजेबल होगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और जो है वीडियो में बस इतना ही, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों तब मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।